ये पहले एक दलदल में फंस गया था नौकरी में। ये नड है ना, ये तो नड वो एरिया है जो जिसे मार्शी एरिया कहते हैं। क्या होता है कि वहाँ पे जो जंगली पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ें ऐसे एकदम पंज सा बना लेती है, तो पानी जो है नीचे उसके जा नहीं पाता और फिर सारा पानी ऊपर रह जाता है और वो बिल्कुल एकदम दलदल बन जाता है। टांगे डूब गई, पेट नीचे टच हो गया। निकालना थोड़ा मुश्किल है ना, पहले इनको भेजना। हाँ तो मैं तो जाऊंगा पहले दलदल में भाई। राधा को मजे की बारे, राधा की क्यों? फिर मैं देखूंगी ना कि कैसे निकलोगे। मैं मेरे को जाना चाहिए मजे करने के लिए। मैं देखूंगी, जाऊंगी नहीं। राजा मैं तेरे को ले जाऊंगा और वहीं छोड़ आऊंगा, समझ आ रही है? बैल की तो सिचुएशन तो थोड़ी खराब है, क्योंकि वो बुंदा बोल रहा है कि खुद जोर नहीं लगा रहा है वो ना। बॉडी में कोशिश तो की है ना निकालने की, पर अपन नहीं चल रही है ना। कहाँ पर आया? बड़ी बुरी तरह। ये डॉक्टर गुलशन भी आएंगे तो क्या देंगे इसको? तू कह रहा है इंजेक्शन इंटरवल वगैरह हुए, टेम्परेचर हाई कर पहले ना। एक दो तीन, एक दो, भैया धूप में ले आते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। एक दो तीन, गुड चार। चल पड़ा है इधर ना, तो डॉक्टर गुलशन के आने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये आपने कर दिया, नहीं तो लोग तो कहते हैं कौन खेचल में पड़े हैं। नहीं लगा था मैं अकेले, जोर में पड़ा फिर से। हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोगों के बारे में बस हम सुनते कम हैं। बुराई की पब्लिसिटी ज्यादा होती है ना, अच्छाई की कम। आराम से बैठो। हमारे साथ दो रेस्क्यूअर और थे, तो ऐसे थोड़ा बैल निकला दलदल, रात भर दलदल में दौड़ सुबह चल पड़ा। कैसा रहा सर रेस्क्यू? खड़ा हो गया बैल और उठ के चल भी गया, वो चला भी गया। कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी कुछ नहीं, जबकि रात से फंसा हुआ था अंदर वो। तो आप लोग दलदल दलदल में नहीं गए अंदर? इतना बड़ा दलदल नहीं था जितना हमने सोचा था। मैं तो गंदे बंदे पहन के गया था, जूते तक धंसा था अंदर, इतना नहीं घुटने तक चले गए। मूवी में तो दिखाते जाते बराबर अंदर जाना, गुड़ी उठ गया था पता मुझे। आपने क्या फोन किया था उसको? कि खुद ही उठ गया। हमारे पास कैमरे में फुटेज है प्रूफ। ओ राधा ने फाइनली दिमाग लड़ाया। ऐसे चले जाते हैं इन 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 तीनों को देख के नहीं जा रहे। प्लीज तुम्हारे से अंदर हो नहीं रहा था इसलिए इसकी शूट करने आया है। मैं उसको ऐसा कुछ भी नहीं, उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहती, नहीं तो मैं उसको सर पकड़ के अंदर कर देना। वो कैमरा ऑन है ना, तो मैं अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहूंगी। बाबा रे, वैसे तो नॉर्मली चेंज हो जाता है धीरे धीरे बड़े होते हैं तो, लेकिन इसकी फिर भी इस एज में भी है तो मेरे ख्याल से ब्लू ही होगी, क्योंकि जब छोटे छोटे रहते हैं ना पपीज तब तो ब्लू ही दिखते हैं। हम नहीं नाम रख रहे, इसका नाम डोरेमोन पोकेमोन। कल मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था इसकी माँ की ऊर्जा की, तो बिल्कुल नाम जा नहीं रहा उसमें। मेरे को तो किरण नाम ज्यादा अच्छा लगा। मैंने किरण बोला था। बोला था? हाँ। ठीक है सॉरी विक्की। मेरा तो मन है वैसे इसको, मेरा तो मन है इसको भी। शैतान है लेकिन ये ना, मतलब सर पपी है वो तो, और पपी और भी है, ये भी पपी है, लेकिन ये उतनी चतान नहीं है ना जितनी ये है। बहुत ज्यादा चतान है, जरा दो मिनट सीधे नहीं बैठना है। अरे इसने शुरू किया मोटू ने, कद्दू ने, तो ये इसके साथ रह के बिगड़ रही है ना।
सर 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 अब कौन भागा? और रुको, पकड़े रहो पकड़े रहो। बस बस हो गया, बस हो गया। रुको ये तुमने किया है? जब से विक्की आया तब से जानवर छूट रहे हैं, भाग रहे हैं। विक्की को ब्लेम मत करना। मैं तो सिर्फ टाइम का रेफरेंस दे रहा हूँ कि जब से विक्की आया है, जैसे मेरी माँ हमेशा रेफरेंस देती रहती थी, जब से ये पैदा हुआ, जब से ये पैदा हुआ। नहीं नहीं यार नहीं, कद्दू। सर हम स्पोर्ट को झिलमिल से मिलाने जा रहे हैं। झिलमिल को स्पोर्ट से मिलाने जा रहे हैं? यस। हाँ शरारती है तू खुद। गुड गर्ल झिलमिल। देखना 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 देखना। अच्छा देखना, चंबी को मुसीबत हो रही है। ये मिनिएचर स्पॉट। हाँ बिल्कुल, डिट्टो कॉपी है ना सर इसकी? डिट्टो तो नहीं पर हाँ वैसे ही एक ही थान से कटे हुए। अब वो सूंघ ले तेरे को स्पॉट। अच्छा अच्छा अच्छा। गुस्सा कर रहा था ना? डॉग्स के ना पीछे ग्लैंड्स होते हैं, उससे एक दूसरे का वो काइंड ऑफ इमोशनल सिग्नेचर होता है, तो तभी वो एक दूसरे को पीछे सूंघते हैं, मतलब उनका विजिटिंग कार्ड। चमी तू तो सड़िया ले रहने दे। प्लेस कंफर्म, प्लेस कंफर्म कर लेते हैं। हुआ क्या, कोई रेस्क्यू आया? हाँ सर, रेस्क्यू के लिए जाना। नगरोटा सूर्या से केस है ना, मुंह फटा है गाय का, वो तो ले आओ। हाँ तो मैं बोल रही हूँ कि अगर अभी भेज देते हैं तुरंत, मेरे को पता है लंच टाइम है, लेकिन गाय नजर से गायब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जिन्होंने जाना उनसे पूछो, उनको तो कोई कभी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो इसको तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बम वगैरह है, उसके जो खाने में मिलाए होते हैं ना पोटाश वगैरह। हाँ जी हाँ जी, उसका लग रहा है कुछ ऐसा ना। इसको अभी पेन किलर भी लगवाया डॉक्टर से ना, इससे तो बचती नहीं बेचारी है ना। फंड वालों को बोल रहे थे कि मरने का इंजेक्शन लगवा दो, इन बंदों से। वैसे एक रिक्वेस्ट है हमारी भी, ऐसा ना करें यार भाई। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इन्फॉर्म करा मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू तो आपका बनता है, भेजे हैं जो आप ऐसा काम कर रहे हैं। कल इसकी परमिशन ही लेके हम इसको मुक्ति ही दे सकते हैं, और इसके लिए हम कुछ नहीं करते। किस लिए ये बम लगाते हैं, किस लिए? बस क्या खेतों में ना खा पाए? नहीं नहीं नहीं, खेतों का नहीं है ये चक्कर, ये वो है कि भाई सुअर खाएगा मर जाएगा, हमें मुफ्त का मीट मिल जाएगा। खा ले, अब गाय खा ले उनको कहो। वैसे तो लड़कियों पे इंडिया में इतने एसिड अटैक होते हैं, एसिड खुलेआम नहीं बिकना चाहिए, पर बिकता है, तो हम सोच लें कि ये पोटाश नहीं बिकेगा खुलेआम, तो हमारी बेवकूफ़ी है। सर आपको नहीं लगता इससे बढ़िया तो शिकार करना है, मतलब इतनी बेरहम मौत देने से बढ़िया गोली मार के ख़त्म कर दो। हाँ शिकार करो, खाओ। इसमें मेरे को तो ये लगता है कि ये जो तरीके हैं मारने के, बम लगा दिया, या फिर ये जो दड़बों में मतलब लाखों मुर्गियां रख रखी हैं, टॉर्चर करे जा रहे हैं। भैया तुम खाओ, तुम्हें खाना है जाओ, तुम्हें लगता है कि तुम शेर हो, कर लो शिकार। इनकी पोती है, स्पॉट की कोई बेटी नहीं है। स्पॉट की बेटी दादाजी, तुम किसी पे भी नाम लगा देते हो, स्पॉट तो बेचारा कास्ट्रेटेड है। ये दादाजी, ये लो दादाजी। स्पॉट मेरा स्टरलाइज्ड है, ये देखो लो। अडॉप्ट किया, ये जो नाम लगाने वाला चक्कर है ना गांव में, ये बड़ा हुआ है, अडॉप्ट किया ये, और ये स्पॉट के पापा है तो ये दादाजी हुए, है ना। गॉसिप से ना बच के रहना चाहिए। नहीं सच्ची बात है, राजा आया तुम्हारे पीछे, देखो देखो चढ़ के तुम्हारे को मारने। देखो कैमरे के पीछे की जिंदगी दिखाता हूँ मैं आपको। विक्की के साथ बड़ा कुछ होता है, ये शूट कर रहा होता है, बकरे इसको चबा रहे होते हैं, गाय इसको चाट रही होती है, फिर भी इसको स्टिल फुटेज लेनी होती है। आजकल तो सर इसने और मारना स्टार्ट कर दिया शॉट करने, जैसे ठीक हो रहा है ना। अरे वो प्यार से हल्का सा तुम्हें ऐसे टच कर देता है। तुम्हारी जनरेशन ही ऐसी है, जरा सा लग के आ गया भाई मार दिया, मेरे मार दिया। गिन्नी की अपडेट है, अभी उसको लेकर गया है सुधांशु। गिन्नी बहुत बेटर हो गई ना, उसको बहुत जल्दी रिकवरी हुई, क्योंकि एक्सीडेंट के बहुत जल्दी हमारे पास वो आ गई थी। गिन्नी जब आई थी तो वो चल कहाँ पा रही थी, पिछले पैर काम नहीं कर रहे थे उसके, लेकिन बहुत जल्दी इम्प्रूव किया उसने, वो दौड़ने लग रही है। तो यहाँ पे है ना, लेकिन उसको वॉक कराने ले गया है ना, क्योंकि पीछे से तो भागे जा रही थी,
बहुत ज्यादा तेज हो गई। और फिर राधा को लेट आने का बहाना मिल गया था, ओ भैया मैं तो आने से पहले गिन्नी को ढूंढ रही थी। बोरी बोरी बोरी। आपने कहा था क्या क्या बहाना? जब लेट आए, जब लेट आए घर में पता चला बच्चों को चपेट पड़ रही है और आपने कहना है कि गिन्नी आ गई है। क्या कह रहे थे सर आप? अरे अजी मेरे पास प्रूफ है, रेनू उसने हल्की थी और मैं नंगे पाँव थी और मेरे हाथ नहीं और मेरे हाथ सारे खाने से भरे हुए थे। मैंने खाना छोड़ के आई थी, मैं ऊपर बैठी हुई थी और सोचा अगर मैं ऊपर ही बैठी होती वो कहाँ होती। मेरी गलती है कि मैंने राधा पे डाउट किया। अब उसकी इम्प्रूवमेंट तो हो गई अच्छी, तो अब कल उसकी स्पेस सर्जरी कर देंगे फिर उसको रिलीज कर देंगे। ओ यार आज हम वो जो गाय आई है रात को, कल शाम को आई है, उसको चेक करा के गवर्नमेंट क्लिनिक में परमिशन लेके देन ये सुबह ही हो जाए तो बेस्ट। यार मैं उसको पहले मूंगफली दी थी वो उसने छीली नहीं, फिर एक छिली हुई मूंगफली दी एक खाई, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। फिर अब मैं इसको अनिरुद्ध की मम्मी ने पिनियाँ दी हैं वो थोड़ी सी शेयर कर रहा हूँ इसके साथ। चटोरी करिए कि रोज़ पोर्च पे अलग अलग तरह के ना एनिमल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले आकाश कबूतर यहाँ आया। तो हमने सरकारी क्लिनिक में भी दिखा लिया, पता तो हमें था ये बच नहीं सकती है, पर अब हमने इसको फिर मुक्ति दे दी है। ले कुछ खा नहीं रहा था ना, तो पहले उसने चिप्स और पास थोड़ा चिप्स खाने शुरू किए, फिर अपने आप से उसने वो फ्रूट्स में से उठाया है ना, अभी सब जितना हो पाया उतना तो हमने डाला है इसको, अभी खा रहा है ये फाइनली। मेल है फीमेल है? फीमेल है। अरे ये वो भैया जिन्होंने कल एक काऊ का रेस्क्यू करवाने में हमारी हेल्प करी थी जिसका मुंह फट गया था बम से, तो भैया क्या लेके आए हो हमारे लिए? भाई सूखी घास, सूखी घास है पशुओं के लिए। अच्छा अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हां जी, नीचे बिछाने के लिए भी और वैसे खिलाने के लिए भी बहुत सही हो जाता है। इतना तो कोई भी नहीं सोचता भैया जितना आप। नहीं नहीं नहीं। दीदी इसका क्या नाम है? ट्रैकर। हां जी। अब आप क्या कर रहे हो उसके साथ? भैया बैंडेज कर रहे हैं ना। इसी कैसी रिकवरी चल रही दीदी? ठीक चल रही भैया, ठीक चल रही है। बिटाडीन ऑइंटमेंट लगानी है इसको जख्मों में, प्लीज लेके आओ, मैंने सोचा आपने ली होगी क्योंकि वो मुझे मिली नहीं थी। चंदा है तू, इसकी एक टांग तो चलनी स्टार्ट हो गई है ना? यही वो टांग है ना जिस पे बैंडेज हो रही है। अरे ये बढ़िया चल रही है ना इसकी? हाँ जी। तुम चाबी दोगे? ये तूने बस तुझे देख के वो तेरा शॉर्टकट खाए चूरा है। बना हुआ खुला है? खुला है। इसने रस्सी तोड़ दी अपनी। साहिल द सेवियर आ गए हैं। जान दो अंदर, जान दो। सर रस्सी लाओ। रस्सी हाथ में है तेरे। क्या चल रहा है यहाँ पे? इसका न्यूट्रल चल रहा है। चाचू की? तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम घोड़ों की सर्जरी यहाँ? Maybe. I don't know. न्यूटर पहली बार हो रहा है, दूसरी सर्जरी हुई है हॉर्स पे, पर न्यूटर नहीं हुआ। तो उसकी हमें कास्टेशन करने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो गया था, बाकी घोड़ों को काट रहा था, फेलो घोड़ों को अपने, हमें भी हैंडल करने नहीं दे रहा था, तो उसके एग्रेशन को थोड़ा कम करने के लिए हमें उसकी कास्टेशन करनी पड़ी। ओए पकस के पकड़, अब पकस के पकड़ो वहां पे छोड़ के आगे। सुबह नो दिल्ली सामने जलंधर कस के उड़ जा, उड़ जा सासु। सर वो चल नहीं पा रही थी, जैसे चारों टांगों को नीचे करके चलते हैं ना कुत्ते, बिल्कुल ऐसे रेंग रेंग के घुटनों पे चल रही थी। हाँ वैसे रगड़ रगड़ के आ नीचे क्यों आ रही थी, चला नहीं जा रहा था इससे ना। तो इसके बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे ऊपर हैं नीचे, ये जो सप्पड़ था ना पहाड़ था। हाँ जी, हाँ जी। नीचे अंदर वो है और आगे जा रहे हैं। बड़ा
साहिल भाई अंदर घुस के निकालो भाई इनको, अंदर जाना पड़ेगा तो कैसे निकलेगा। सांस नहीं आ रहा अंदर, हाँ दूर है वो काफी है आगे। टैक्सी वाले से बात कर रहा है, वो कह रहा माँ समेत ट्रीटमेंट करो आप, मेरे घर में इलाज कर देना, बच्चों मैं उनको बैठने की सबकी जगह दूंगा। क्या है क्यूट है ये लोग, मालूम होंगे ये तो भूरे वाला बड़ा सुंदर है इसमें। चल पा रही है लेकिन अब दोनों पैरों में कोऑर्डिनेशन नहीं है और वो लड़खड़ा रही है बहुत बुरे तरीके से, तो अटैक्सिया बता रहे हैं सर। जितना मुझे पता है इसमें सिम्टम्स यही है कि दोनों पैर पीछे के कमजोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा और चलने में तकलीफ, तो मतलब हम उसको मेडिसिन वगैरह देंगे तो ठीक हो जाएगी ना, फिजियोथेरेपी करेंगे, ब्लड टेस्ट करना होगा, मेडिकेशन चलेगा। जो लंगूर है हमारा अंगूर कहाँ पे है? ओके, जब ये आया था इसके एक पैर में, पीछे वाले पैर में फ्रैक्चर था और तब सिर्फ हल्की सी स्वेलिंग थी। अब क्या हुआ है कि इसने अपने आप को वहाँ काट लिया क्योंकि इसको दर्द हो रहा होगा और वहाँ पे इसकी बोन का एक टुकड़ा निकला हुआ है, तो जिस वजह से स्वेलिंग इसकी हो रखी है। एक बार अब इसका अच्छे से चेकअप कर लें, करवा लिया। तो क्या बोन शार्ड है, निकल ली है जो जॉइंट है? हाँ। जॉइंट वो उसका और काफी सारा मसल इसने खींच खींच के निकाल लिया, तो एम्प्यूटेशन ही होगी। हाँ जी सर। टीका लगा है अगर चाहिए, बच्चे टाइप करो, टीका ले लो।